नमस्कार दोस्तों टी में ऑनलाइन सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि ए एन बोर्ड अगर चाह भी ले ना पूरी दम भी लगा ले तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर ले भी लेगा तो मोस्टली बच्चों को फेल कर देगा क्योंकि बच्चे यही सोचते रह जाएंगे भाई हमें क्वेश्चन पेपर तो मिल गया हमने आंसर तो लिख लिया लेकिन अपलोड ही नहीं कर पाए और इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे फेल किए जाएंगे हमारा दोस्त अब एक ही मकसद रहेगा अगर ये कोविड के केस यूँ ही चलते रहे ऐसी रहे और दोस्त अभी हमें देखने को मिल रहा है कि केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो बच्चों को अभी असाइनमेंट जो सबमिट हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स भी होंगे बच्चों को सबसे अच्छा रहेगा कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के बेस पर ही प्रमोट किया जाए पिछले बार की तरह जैसे कि दो सालों से किया जा रहा है हम नहीं चाहते दोस्त कि ऑनलाइन के चक्कर में जैसे टी एमए बच्चों को इशूज़ आ रही है वही सेम इशू अगर वो ऑनलाइन एग्जाम में देखता है तो अगर वो नहीं कर पाया तो ऐसे में स्टूडेंट्स को फेल ना कर दिया जाए और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बिल्कुल ठीक है लेकिन एनएस बोर्ड है भाई ये भरोसा लायक नहीं है अगर एनुस बोर्ड ने ये कह भी दिया दोस्त अगर एन ओ उसने दे भी दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे दीजिए आप एग्जाम दीजिए ओल्डाइन हो जाता है तो क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है एन बोर्ड के ऊपर क्योंकि एनएस बोर्ड के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त जैसे सी के पास है क्योंकि हमेशा सी बी एस ई की तर्ज पर चलता है एनुस बोर्ड अब एनुएस बोर्ड ने ऐसा कोई भी इंप्लीमेंट किया ही नहीं है जैसे कि सिलेबस को रिड्यूस कर देना या एम सू के फॉर्म में आंसर दे क्वेश्चन लेना एग्जाम अभी ऐसा कोई पैटर्न हुआ नहीं है एन बोर्ड में और ना ही इसके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो क्या करेगी ये एग्जाम्स किसी भी तरीके से ले गया बोर्ड इसीलिए या तो वो ऑनलाइन ले अगर ऑनलाइन नहीं होता है दोस्त तो नाइन्टी नाइन परसेंट चांस हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कोशिश क्या दोस्त आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट मेरी ताकत जुनून है आपके एग्जाम्स को मैं कैंसिल करवा के आपको प्रमोट करवाऊंगा ऑन दी बेसिस ऑफ टी एन प्रैक्टिकल्स आपका सपोर्ट और प्यार दोस्त मुझे चाहिए जैसे पिछले दो सालों से मिलता आ रहा है तभी दोस्त क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया था पता है क्योंकि क्या इस बोर्ड मानती नहीं थी भाई देन जाके तो दोस्त बच्चों को प्रमोशन भी मिला और आगे चल के बच्चे अपने लाइफ भी सेट करने में लगे हायर एजुकेशन में पहुँचे भाई वो क्योंकि टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना इससे इसलिए दोस्त मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये टी का इशू ऐसे चलता रहा तो ओनला एग्ज़ाम्स के चक्कर में भाई नहीं पढ़ना और एन एस बोर्ड को दोस्तों एक हमारा एक एक हाईली रिकमेंडेशन है कि किसी भी तरीके से एन एस बोर्ड के स्टूडेंट्स के कंडसन को समझो उनकी प्रॉब्लम को समझो हर एक बात को अगर समझने लग गया ना एन एस बोर्ड दोस्त तो प्रॉब्लम यूँ ही खत्म हो जाएगी लेकिन क्या करें ये एन एस बोर्ड है दोस्तों अपना प्यार और यू सपोर्ट यू ही बनाए रहा हमें डी एम ए और प्रैक्टिकल बेस पे प्रमोट चाहिए अगर एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो बाकी एग्जाम्स होते हैं तो प्रिपरेशन तो हमारी चली रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कमेंट्स करके दोस्त बताना मैं मिलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं आपके कमेंट्स को पढूंगा चलिए दोस्त जय हिंद जय भारत